नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडलैब चैनल। मेरे इस मेडलैब चैनल में आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक लक्स कंपनी का एक सिरप के बारे में, इस सिरप का इस्तेमाल किस किस पर्पस में आप लोग कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है और इसके इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों जानकारी मिल जाएगी आप लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे मेडलैब चैनल पर आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दोस्तों जो ग्लक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट लेके आए दोस्तों, इसका नाम है कोबाडेक्स सिरप। दोस्तों ये 120 ml में आप लोगों को मिलेगी और जो ये कोबाडेक्स सिरप है दोस्तों, ये एक मल्टीविटामिन है, उसके साथ साथ दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स है। ये दो सॉल्ट दोस्तों आप लोगों को मिलता है। ये देखिए विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन B12, इस विटामिन जितना भी दोस्तों आपको सॉल्ट है सारे के सारे सॉल्ट इस कोबाडेक्स सिरप में आप लोगों को मिल जाएगी। आइए आप बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। ये बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों, इसका 17 रुपये में दोस्तों आप लोगों को 120 ml मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों बच्चे या बड़े सबको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आप किस किस पर्पस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों भूख न लगना, आपकी मुंह में छाले पड़ना, छाले के साथ साथ दोस्तों जीभ में छाले पड़ना, उसके लिए दोस्तों आप खाना नहीं खा पाते, जो भी खाना खाता है दोस्तों आपको तीखा लगता है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप इस कोबाडेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ भूख नहीं लगना, खाने में मन नहीं है दोस्तों, खाना सही से हजम नहीं करने का दोस्तों, जो विटामिन चाहिए आपको बॉडी को वो पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं मिलता है, उस टाइम दोस्तों उस विटामिन को पूरा करने के लिए आप इस कोबाडेक्स सिरप का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्ग आदमी के लिए ये सिरप एकदम एक्सेलेंट है और बच्चे के लिए भी दोस्तों ये एकदम एक्सेलेंट है। और कभी कभी सही से खाना नहीं खाने के कारण दोस्तों जो विटामिन का अभाव आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं दोस्तों, उसको भी दूर करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आप बात कर लेते हैं इसका डोज क्या लेना चाहिए दोस्तों। ये बच्चे के लिए 1/2 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े के लिए एडल्ट के लिए दोस्तों इसका 2 ढक्कन मतलब 10 ml करके दिन में 2 बार खाने के बाद आप ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद दोस्तों आपको भूख ना लगना या कमजोरी का महसूस होना, मुंह में छाले पड़ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अभाव तो आपके बॉडी में दिखाई देता है, तो वो सारे प्रॉब्लम से आपको आराम मिल जाएगी। आप बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को पेट में थोड़ा दर्द या लूज मोशन होने का प्रॉब्लम दिखाई देते तो इस विटामिन सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और साथ साथ डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबको थैंक्स और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।